गूगल प्ले स्टोर के अंदर कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोफन में। तो बात करते हैं आज हम गूगल प्ले स्टोर में हाल ही में रिसेंटली हुए कुछ चेंजेज के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको सारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा, आपके लिए ये उपयोगी होगा, बहुत ही फायदेमंद हो पाएगा यदि आप कोई एंड्रॉयड मोबाइल या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस आप यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर के अंदर हुए कुछ चेंजेस के बारे में। यूपीआई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो एक भारत का इंडिया का बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है, जिसका जो है भीम आपने नाम सुना होगा, जिसके थ्रू आप जो है काफ़ी ज़्यादा जगह ट्रांजैक्शन कर सकते थे, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे, गूगल पे पे, गूगल तेज पे, ये यहाँ पे और फोन पे पे, इस जगह हम जो है यूपीआई अब तक यूज़ करते रहते थे। तो यूपीआई के अंदर भारत के 141 बैंक जो हैं वो अभी ऑन बोर्ड हैं, और अब जो है आप गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन परचेज करते हैं, वो आप यूपीआई के थ्रू परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पेमेंट मोड के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के साथ जो है यूपीआई भी वहाँ पे अपडेट हो चुका है। यूपीआई जो है एक बहुत ही सेफ ट्रांजेक्शन आप इससे कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक के ट्रांजेक्शन, अमाउंट लिमिट की ट्रांजेक्शन है, उस अमाउंट लिमिट तक ही आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये जो भी छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनके लिए ये पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने का बहुत ही एक सिंपल और एक बहुत ही अच्छा मीडियम है ये। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं की जाती। यदि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या है कि कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, 2% से लेके आपको 6 या 7% तक जो है वो ट्रांजैक्शन फीस आपको पे करनी पड़ती है, तो इसके अंदर वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। और अब आप जो गूगल प्ले स्टोर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन परचेज करने पे, या किसी भी तरीके की परचेज आप यदि गूगल प्ले स्टोर पे करते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी और गूगल प्ले स्टोर का ये कदम भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नई वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।